हेलो एवरीवन, कैटनेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्शिया। लास्ट की वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग का उपयोग कर सकते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेप बाई स्टेप मेल विज़ार्ड को यूज़ करके हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं। तो मैंने बताया था टाइप ए न्यू लिस्ट के ऊपर क्लिक करके कैसे उसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो मैं और एक बार आपको बता देती हूँ कैसे उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि टाइटल आपको लास्ट नेम डिलीट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। आपको जो भी कन्फर्मेशन डिटेल्स नहीं चाहिए वो सब आप क्या कर सकते हो, इधर पे डिलीट कर सकते हो। एग्जांपल आपको स्टेट डिलीट करना हो तो स्टेट डिलीट कर सकते हो, वर्क फोन डिलीट करना हो तो वर्क फोन डिलीट कर सकते हो, जिप कोड ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सभी कुछ डिलीट कर सकते हो। अगर आप रीनेम देना चाहते हो तो रीनेम भी दे सकते हो, जैसे कि एड्रेस लाइन वन के पास जाके रीनेम दे सकते हो, एड्रेस ऐड कर सकते हो, इधर पे ऐड करके ओके दे सकते हो। ऐसे करके ओके देने के बाद अभी हम जिसको भी भेज रहे हैं उनका डिटेल्स इधर पे ऐड करना है। जैसे कि मैं अभी इधर पे ऐड कर रही हूँ, मैं इधर पे इनविटेशन भेज रही हूँ, तो मैं इधर पे इनविटेशन ऐड कर लूँगी। फर्स्ट नेम मैं किसको भेज रही हूँ, एग्जाम्पल मैं भेज रही हूँ रोहन, तो मैं रोहन को भेज रही हूँ तो रोहन का नाम ऐड कर लूँगी। कंपनी नेम तो मेरे ही कंपनी नेम हम नेम मैं ऐड करूँगी, जैसे कि मैं अभी ऐड कर रही हूँ कैटनेस। तो एड्रेस कहाँ का है तो एड्रेस इधर पे करेक्ट से ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के बाद बैंगलोर, तो मैं सिर्फ आपको मल्टीपल पीपल्स को नहीं भेजूंगी, सिर्फ टू मेंबर्स को आपको भेज के मैं आपको दिखाऊंगी कैसे उसको भेजते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको इधर पे दिखा रही हूँ। तो ईमेल एड्रेस ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ईमेल एड्रेस से हम उसको क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति को हम मेल कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस करेक्ट से ऐड कर लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं इधर पे ईमेल एड्रेस ऐड कर दूंगी, जैसे कि rohan989@gmail.com, तो मैं इधर पे लगा लूँगी। तो एंटर दीजिए, तो और सेम एज इट इज़ मैं इनविटेशन ही भेज रही हूँ, तो टाइटल को इसी टाइटल को कॉपी करके इधर पेस्ट कर लूँगी। तो नेक्स्ट भेज रही हूँ, जैसे कि मैं तो टैप कीजिए, टैप करने से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो इधर से कॉपी पेस्ट करके आप इधर पे ही ऐड कर सकते हो। तो मैं सेम एड्रेस इधर पे ही ऐड कर लूँगी, तो आपको टाइमिंग सेव करने के लिए हो जाएगा। तो करने के बाद टाइप कीजिए, तो ऐड कीजिए, जिप कोड से भी मैं करेक्ट से ऐड कर रही हूँ, वर्क फोन ऐड करके इधर पे कंपलसरी, मैंने आपको बोला था कंपलसरी इधर पे ऐड करना है बोल के। तो मैं ईमेल एड्रेस इधर पे ऐड कर लूँगी। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद ओके दीजिए। ओके देने के बाद हम इसको एक फाइल में सेव कर देंगे, जैसे कि मैं डेस्कटॉप में ही सेव करूँगी। बाद में जाके एम एस एक्सेस से हम क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक नाम से इधर पे सेव कर लूँगी, डेस्कटॉप में ही सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इधर पे आके ओके देना है। ओके देने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको यूज़ करना है इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड यूज़ करके आप उसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करके कंपनी नेम सभी मैं इधर पे इंसर्ट कर रही हूँ, वन बाय वन मैं क्या कर रही हूँ, इधर पे इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको करेक्ट स्पेस ऐड करके उसको हम ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि टाइटल में अभी इंसर्ट करके एंटर दूंगी, फर्स्ट नेम के पास एंटर दे के एंटर दूंगी, कंपनी नेम के पास एंटर दे रही हूँ, तो वो दूसरे प्लेस में चला गया। तो मैं इसको ऐसे ही करके क्या करूँगी, एंटर दे के स्पेस ऐड करती रहूँगी। स्पेस ऐड करने के बाद लास्ट स्टेप यूज़ करने का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, कैसे लास्ट स्टेप यूज़ करना है, हम कैसे लेटर को भेज सकते हैं, कैसे उस लेटर में हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताती रहूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू, बाय बाय।